वहीं बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले के पवई स्थित सिद्ध स्थल हनुमान भाटे और मां कलही देवी मंदिर में नववर्ष के पहले दिन लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, जिसकी तैयारियों प्रशासन और धर्म प्रेमियों के द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि सिद्ध स्थल हनुमान भाटे पवई विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, जहाँ पर श्रद्धालु 1100 के तकरीबन सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं, जहाँ हनुमान महाकाल और नरसिंह देव की मूर्तियाँ विराजमान हैं। मान्यता है कि त्रिदेव के दर्शन करने से पूरे साल घर में खुशहाली और अमन चैन बना रहता है, साथ में मनोकामना भी पूरी होती है, जिसको लेकर बीते कई वर्षों से नए वर्ष के पहले दिन आसपास के क्षेत्र ही नहीं, दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय हम मौजूद हैं पन्ना जिले की पवई में स्थित प्राचीन सिद्ध स्थल हनुमान भाटी में, जहां पर भगवान हनुमान के साथ में महाकाल और नरसिंह भगवान की त्रिमूर्ति विराजित है। हमारे साथ मंदिर के जो महंत हैं श्री गोपाल दास जी महाराज, आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई हैं और कितनी तैयारियां अभी बाकी हैं जो शाम तक लगभग पूरी कर ली जाएंगी। जी महाराज बताएं। ये मेला की तैयारी है और पूरे जिले से जो हमारे कलेक्टर साहब, सांसद जी, मंत्री जी, हमारे विधायक प्रहलाद भैया जी, ये सब लोग हमारे भाटे की तैयारी में लगे हैं। पानी की बड़ी तैयारी है, लाइट की तैयारी है, साफ सफाई की तैयारी है। हम लोग सभी 8-10 जने जो साधु संत यहाँ रहते हैं, सब जने सेवा में लगे हैं। तो ये थे मंदिर के महंत श्री गोपाल दास जी महाराज।